केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग में घोड़े खच्चरों की देखरेख और स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पशुओं के साथ किसी भी प्रकार से क्रूरता ना हो सके। इसके लिए अलग अलग टीमें तैनात कर दी गई हैं। वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर राजीव गोयल ने कहा कि इस बार केदारनाथ यात्रा मार्ग पर 8,000 घोड़े खच्चर सवारियों के लिए तथा 1,000 घोड़े खच्चरों को मार ढोने की परमिशन दी गई है। हालांकि एनजीटी की गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा, साथ ही पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण देखभाल के लिए 5 डॉक्टरों के साथ ही अन्य स्टाफ की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा 2 विभागीय पशु डॉक्टर भी तैनात रहेंगे, साथ ही एक नोडल अधिकारी भी समय समय पर घोड़े खच्चरों पर पैनी नजर रखेंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। जो हमारे घोड़े खच्चर चलेंगे यात्रा सीजन में, उसके लिए हमने 8,000 खच्चरों की का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस को उनके लिए किया है जो यात्रियों को लेके जाएंगे। उसके अलावा 1,000 मालवाहक घोड़े खच्चरों के लिए किया है। हालांकि जैसे एनजीटी की गाइडलाइंस हैं कि प्रतिदिन जो संख्या है, हमने लाइसेंस ज़्यादा को दिया है, लेकिन प्रतिदिन जो संख्या है वो एनजीटी की गाइडलाइंस के अनुसार ही सीमित रखी जाएगी, जिसमें कि फिलहाल निर्देश ये हैं कि 4,000 खच्चर प्रतिदिन यात्रियों के लिए चलेंगे और 1,000 खच्चर मालवाहन के लिए चलेंगे। इस बार हमने कई किए हैं, हमने घोड़े खच्चरों के लिए इस बार अतिरिक्त व्यवस्था करते हुए 5 हमारे डॉक्टर्स संविदा पर रखे हैं। इसके अलावा 5 पैरावेट्स रखे हैं, 2 विभागीय डॉक्टर्स लगातार रहेंगे यहाँ पर रोटेशन के आधार पर जो ऑलरेडी आ गए हैं। इसी तरह से 2 LEOs रहेंगे विभागीय, फिर हमारे डिप्टी साहब वहाँ पर नोडल डिप्टी CEO साहब जो हैं वो नोडल ऑफिसर का काम करेंगे, वो लगातार वहीं पर रहेंगे सोनप्रयाग में या गौरीकुंड में। और इसके अलावा एक संयुक्त निदेशक विभाग की तरफ से और आ रहे हैं जो वहाँ पर सारे कार्यों का सुपरविजन करेंगे।